हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी एंड क्रिस्पी बनने वाली स्नैक्स की रेसिपी। आप लोग इसका आवाज सुना ही होगा, ये कितना क्रिस्पी बना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह बनता है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1.5 कप मैदा, फिर इसके अंदर हमने डाला है 1/4 टीस्पून कलौंजी, इसे ब्लैक क्यूमन सीड भी बोलते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर डाला है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन हमारा डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है। नेक्स्ट इसके अंदर डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, फिर इसमें जाएगा 4-5 टीस्पून ऑयल। इस तरह सारे आटे को अच्छे से ऑयल से मिक्स करके खस्ता बना लेना है। इस तरह आटा आपके मुट्ठी में आ जाए तभी समझो निमकी के लिए आटा रेडी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सख्त डो बना के तैयार कर लेना है। इतना टाइट डो बना के तैयार कर लेना है, आप वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। फिर इसे ढक के 20 मिनट्स के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट इसके लिए बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए हमें लेना है एक बाउल, फिर उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देना है और 1 टेबलस्पून मैदा डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लेना है। इसे अच्छे से मिक्स करके इस तरह लिक्विड फॉर्म में बना के तैयार कर लेना है। अब जो आटे को रेस्ट करने के लिए छोड़ा है उसी आटे को निमकी बनाने से पहले इस तरह अच्छी तरह से नीट कर लेना है। अब पूरे आटे को इस तरह पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अब एक गोला लेकर इस तरह रोप बना के तैयार कर लेना है। अब चाकू की मदद से इस तरह इवनली कट कर लेना है। इस तरह करने से क्या होगा, आपका गोला जो है बराबर आएगा। जब आप निमकी बनाएंगे तो इवनली बनेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। इसका छोटा छोटा लोई बना के तैयार कर लेना है। लोई को बेल लेना है एकदम पतला करके, ये बिल्कुल मोटा होना नहीं चाहिए। अब इसके ऊपर स्प्रेड कर लेना है ऑयल मैदा का मिक्सचर, फिर इसे फोल्ड कर लेना है और सेम प्रोसेस को फॉलो कर लेना है। अब इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है, फिर इसे हल्का सा बेल लेना है, ज्यादा बेलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरह बेल लेना है। इसी तरह हमने सब कुछ बना के तैयार कर लिया है, कुछ इस तरह छोटे छोटे पीसेस में भी काट के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं इन्हें फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पर ऑयल को पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है, फिर इन्हें मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जैसे इन्हें डाला है ये तुरंत ऊपर आने लगा है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा खास्ता बना है, तो बनेगा बहुत ही क्रिस्पी। इस तरह ऊपर आने के बाद एक बार चला लेना है, फिर इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बीच बीच में इन्हें उलट पलट करते रहना है। इन्हें फ्राई करते समय लो टू मीडियम फ्लेम में एडजस्ट करके फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका फ्लेम धीरे धीरे कम होने लगा है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, बस इसमें कलर आने की बाकी है। इस कलर में आने के बाद निकाल लेना है। नेक्स्ट इसी तरह हमने ट्रायंगल शेप में बना हुआ निमकी को भी फ्राई कर लेना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम लो टू मीडियम में एडजस्ट कर लेना है। इन्हें इस तरह हल्का सा दबा लेना है ताकि ये दबे रहे, नहीं तो ये पूरी जैसे फूल जाते हैं, हमें इन्हें फुलाना नहीं है। जब ये फूलना बंद हो जाएगा इसी तरह छोड़ देना है, फिर बीच बीच में उलट पलट करके इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कलर में आने के बाद इन्हें निकाल लेना है। निकालने के बाद इस तरह थोड़ा सा बेंड कर लेना है ताकि इसके अंदर जितना भी ऑयल है वो स्ट्रेन हो सके। इसी तरह बाकियों को भी बना के तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे बना के तैयार कर लिया है। अब इसका आवाज सुनिए। इसके आवाज से आप जान गए होंगे ये कितना क्रिस्पी बना होगा। तो गाइस, आपको कैसे लगा है ये निमकी की रेसिपी? आज की मौसम में इस तरह स्नैक्स बनाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।